विनीत व्यास जी, भावनगर गुजरात से आपने प्रश्न भेजा है। आप कह रहे हैं कि हम शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण हैं और गुजरात में निवास है, तो हमें मंत्र दीक्षा कहाँ से लेना चाहिए, श्रृंगेरी मठ से या द्वारका मठ से? तो देखिए, अच्छा प्रश्न है आपका। जो व्यवहार है वो क्या है? व्यवहार ये है कि भगवान शंकराचार्य जी ने जो चार मठ बनाए वो चार वेदों को आधार मान करके बनाए, इसीलिए इनको आमनाय मठ कहा जाता है। आमनाय का मतलब भी वेद ही होता है, तो ये वेद मठ हैं। वेद मठ होने के नाते वेदों के संरक्षण का इनके ऊपर दायित्व है। अब चार जो मठ भगवान शंकराचार्य जी ने देश की चारों दिशाओं में बनाए, उनमें एक एक वेद उन्होंने नियत कर दिया। तो जो दक्षिण भारत का वेद है श्रृंगेरी पीठ का, वो यजुर्वेद है। द्वारका के शारदा पीठ का वेद साम वेद है। उत्तर की जो ज्योतिष पीठ है उसका वेद अथर्व वेद है। और पुरी का जो स्थान है, पीठ है, वहाँ ऋग्वेद बताया गया है। ऋग्वेदी ये पीठ कहा जाता है उसको। तो चारों पीठों के एक एक वेद सुनिश्चित कर दिए गए हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरी पीठ है वो केवल ऋग्वेद पढ़ेगा, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इनका व्यवहार ही नहीं करेगा, पढ़ेगा ही नहीं। इनके ज्ञाता जो वैदिक विद्वान हैं उनको अपने यहाँ स्थान ही नहीं देगा, ऐसा अर्थ तो नहीं हो सकता। इसी तरह से जो सामवेदीय द्वारका शारदा पीठ है, वो द्वारका शारदा पीठ क्या सामवेद ही पढ़ेगा, वही पढ़ाएगा? सामवेद के अलावा किसी और वेद का व्यवहार ही नहीं करेगा। जो सामवेद के इतर उपनिषद हैं, सामवेद का छांदोग्य उपनिषद है, वहीं बृहदारण्यक यजुर्वेद का है, तो क्या शारदा पीठ से जुड़ा हुआ व्यक्ति, शारदा पीठ का सन्यासी, शारदा पीठ का ब्रह्मचारी, शारदा पीठ से जुड़े हुए गृहस्थ क्या छांदोग्य उपनिषद के अलावा दूसरे उपनिषद पढ़ेंगे ही नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के लिए एक यज्ञ मंडप बनाया जाता है, यज्ञशाला जिसको कहते हैं। उस यज्ञशाला के चार दरवाजे होते हैं और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में होते हैं, और वहाँ पर चार द्वारपाल बैठाए जाते हैं। तो चारों मिलकर के तो यज्ञ को संपन्न करते हैं। किसी एक यज्ञ से, एक वेद से ही तो काम नहीं चल जाता है। इसलिए जो ये पीठ हैं, ये पीठ इसलिए हैं कि ये प्रमुख रूप से अमुक वेद की रक्षा करते हुए बाकी वेदों की भी रक्षा करेंगे। तो इसलिए आप शुक्ल यजुर्वेदीय हैं, निश्चित रूप से यजुर्वेद का पीठ श्रृंगेरी पीठ है, लेकिन क्षेत्राधिकार आपका द्वारका शारदा पीठ के अंतर्गत है, क्योंकि आप गुजरात में रह रहे हैं। इसलिए गुजरात में रहते हुए शारदा पीठ से आप जुड़ें, और जुड़ करके वहाँ के विद्वानों से शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन करें। वहाँ पर चारों वेद पढ़ाए जाते हैं, सभी चारों पीठों में चारों वेदों अध्यापन किए जाते हैं, चारों वेदों के उपनिषदों का भी वाचन होता है। भगवान शंकराचार्य जी ने चारों वेदों के उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। इसलिए एक पीठ का होने का मतलब ये नहीं है कि केवल एक वेद तक ही वो सीमित हो गया। चारों वेदों की रक्षा, चारों वेदों का उन्नयन चारों पीठ कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आपका क्षेत्राधिकार चूँकि शारदा पीठ का आता है जहाँ पर आप रह रहे हैं, इसलिए शारदा पीठ के द्वारा ही दीक्षित होकर के आपको शारदा पीठ के आचार्य को गुरु मानना चाहिए। इसी तरह से श्रृंगेरी पीठ यद्यपि यजुर्वेदीय पीठ है, लेकिन श्रृंगेरी पीठ में पूरा दक्षिण भारत क्षेत्राधिकार आता है। तो क्या वहाँ पर सामवेदी नहीं है? क्या वहाँ पर ऋग्वेदी और अथर्ववेदी नहीं है? और क्या उनसे श्रृंगेरी पीठ को संपर्क नहीं रखना चाहिए? और क्या श्रृंगेरी पीठ से उनको संपर्क नहीं रखना चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए सभी शंकराचार्यों के क्षेत्र में चारों वेदों का संरक्षण हो रहा है, और चारों वेदों के लोग अपने अपने तत्त्व पीठों से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप द्वारका में हैं, द्वारका की के क्षेत्राधिकार में हैं, गुजरात में हैं, इसलिए आपको द्वारका शारदा पीठ से जुड़ करके अपना आध्यात्मिक उत्थान करना चाहिए। नारायण।